क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारतीय टीम की बांग्लादेश के खिलाफ इस T20 श्रृंखला में जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और लाइक करना बिल्कुल न भूले। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे T20 श्रृंखला में आज भारतीय टीम ने अपने अंतिम T20 मुकाबले में बांग्लादेश को मात देकर इस T20 श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। इस T20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयश अय्यर के तूफानी 62 रन और लोकेश राहुल की बेहतरीन अर्धशतक की मदद से 174 रनों का एक विशाल लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रख दिया। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दीपक चहर ने बांग्लादेशी टीम के टॉप ऑर्डर के पहले दो बल्लेबाजों को पारी के तीसरे ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस समय भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश के मोहम्मद नईम और मिथुन में एक अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेशी टीम को जीत के बहुत करीब लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों ने मिलकर लाजवाब 50 रन की पार्टनरशिप खड़ी कर दी। इस मुकाबले में मोहम्मद नईम ने लाजवाब 81 रनों की पारी खेली और इसी बांग्लादेशी बल्लेबाज की वजह से एक समय पर भारतीय टीम हारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन शिवम दुबे ने एक ही ओवर में बांग्लादेश की टीम के दो बड़े बल्लेबाजों को आउट करके भारतीय टीम को इस अहम मुकाबले में जीत दिलाने में गजब भूमिका निभाई। इस मुकाबले में पहले तो शिवम दुबे और भारतीय टीम के दो स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल को बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तरफ से एक के बाद एक चौके के छक्के पड़ रहे थे, लेकिन दीपक चहर की पारी ने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिथुन को आउट करके भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई और उसके बाद शिवम दुबे ने लाजवाब गेंदबाजी करके बांग्लादेशी टीम को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद बांग्लादेशी कप्तान कुछ खास प्रदर्शन करके दिखा नहीं पाए और भारतीय टीम ने अंत में इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम करके इस श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस सीरीज में भारतीय टीम ने पहला मुकाबला हारने के बाद एक के बाद एक दो मुकाबले जीत कर यह सीरीज अपने नाम करके इतिहास रचा है। तो दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये जीत कैसी लगी और आपके मुताबिक इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाने वाला असली हीरो कौन था, दीपक चहर, शिवम दुबे या कोई और? हमें आप उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।